प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवादित गोल्डन सूट को गिनीज बुक में जगह मिल गई है। गिनीज बुक ने इसे दुनिया में सबसे महंगे बिके सूट के तौर पर मान्यता दी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस सूट की कीमत 4,31,31,311 रुपए थी, जिसकी पिछले साल 20 फरवरी को नीलामी की गई थी। सूट की नीलामी से मिली रकम को स्वच्छ गंगा अभियान में डोनेट किया गया था। सूरत के हीरा व्यापारी लालजी पटेल ने सबसे बड़ी बोली लगाकर मोदी का यह सूट खरीदा था। इस सूट पर सोने के धागे से प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ है। मोदी ने यह सूट अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात के समय पहना था। इस सूट को लेकर प्रधानमंत्री को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। विपक्ष ने सूट को पहनने के बाद मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार बताया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद और इसके बाद कई बार इस सूट के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला था। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोगों से गौरक्षा की अपील की है। उनका कहना है कि जो लोग भारत को अपना देश मानते हैं, उन्हें गाय को मां के रूप में मानना चाहिए। दास ने जोर देकर कहा कि गाय बचाने की आड़ में हिंसा नहीं होनी चाहिए। गौरक्षा के नाम पर हाल में हुई हिंसक घटनाओं पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं में पशु तस्कर शामिल हो सकते हैं। दास के मुताबिक संघ परिवार गाय बचाने के मुद्दे को लेकर एकमत है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों गौरक्षकों पर अपना रोष व्यक्त किया था और कहा था कि इस तरह के समाज विरोधी तत्व रात को अपराधों में लिप्त रहते हैं। मोदी की टिप्पणी पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। देश के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 72वीं जयंती पर पूरे देश में श्रद्धापूर्वक याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर राजीव गांधी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। नरेंद्र मोदी ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर पूरा देश राजीव गांधी को याद कर रहा है। राजीव गांधी के पुत्र और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उनकी दूरदर्शिता, उनके मूल्य और लोगों के प्रति समर्पण को देश के लिए प्रेरणा माना है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। वे 1984 से 1989 के दौरान देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे। उन्होंने 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पदभार संभाला था। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से उफनाई नदियों का कहर जारी है। गंगा, यमुना, राप्ती और केन नदियों ने प्रदेश के कई जिलों में कोहराम मचा रखा है। अब तक प्रदेश के सैकड़ों गांव बाढ़ की वजह से पानी में जलमग्न हो गए हैं। दर्जनों घर उफनाती नदियों में समा चुके हैं। इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान से महज कुछ दूरी पर है, जबकि वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से सिर्फ 32 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बांदा में केन नदी खतरे के निशान पर है और यहाँ पर अब तक लगभग एक दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। वाराणसी में गंगा के बढ़े जलस्तर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 80 घाट की गलियों में नावें चल रही हैं। काशी में गंगा खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने से आसपास के निचले इलाकों के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था और गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीएम ऑफिस पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक इमरान मसूद ने प्रदेश की सपा सरकार को गुंडों की सरकार करार दिया। मसूद के मुताबिक यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था के लिए बाप बेटे और चाचा भतीजे की सरकार ही पूरी तरह जिम्मेदार है। मसूद का कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर सपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जाता है, लिहाजा नुकसान यूपी की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं कौमी एकता दल के फिर से सपा में विलय की खबरों पर इमरान मसूद ने कहा कि ये महज एक सियासी ड्रामा है जो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। यूपी के बहराइच का जिला अस्पताल एक युवक की मौत के बाद युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। दरअसल नगर के गुलाम अलीपुरा इलाके में रहने वाले एक युवक को देर रात पेट दर्द और शरीर में अकड़न के बाद अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर ने सांप काटने की आशंका के तहत उसे इंजेक्शन लगाया। बाद में परिवार के लोग उसे लेकर झाड़ फूक कराने चले गए। हालात में कोई सुधार न होने पर उसे दोबारा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने फिर उसे इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद ही युवक की मौत हो गई। मौत के बाद परिजन भड़क उठे और हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद में डॉक्टर भी भड़क गए और आपातकालीन सेवाएँ ठप कर दी। आपातकालीन सेवाएँ ठप होने से भर्ती दूसरे मरीजों की जान पर बनाई। बेकाबू हालात को देखते हुए पुलिस को बुलाना पड़ा। माहौल को काबू करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए।
दिल्ली के भवाना इलाके में देर शाम दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये बदमाश रेहड़ी पटरी लगा रही एक महिला से लूटपाट कर भाग रहे थे। महिला के चिल्लाने पर ऑन ड्यूटी कांस्टेबल ने पीछा कर दो बदमाशों को धर दबोचा। इसी बीच तीसरे बदमाश ने कांस्टेबल की छाती में गोली मार दी। गोली लगने के बावजूद कुछ दूर तक कांस्टेबल ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन ज्यादा खून निकलने की वजह से कुछ ही दूरी पर गिर के उसकी मौत हो गई। शहीद कांस्टेबल दिल्ली के भवाना एरिया सेक्टर 5 के पुलिस पिकेट पर तैनात थे। पुलिस मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। बिहार में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। राजधानी पटना समेत आसपास के जिलों पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सोन और गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर से पटना में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सोन नदी के इंद्रपुरी बराज से 11.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, भोजपुर जिले के साथ पटना पर बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। गंगा से लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर शहर से गंगा नदी में गिरने वाले सभी नालों को जाम कर दिया गया है। हर स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। वहीं दियारा इलाकों में बाढ़ पहले से ही परेशानी का सबब बना हुआ है। आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव व्यास जी के मुताबिक सोन और गंगा की स्थिति नाजुक है। गंगा पटना में भी खतरे के निशान के पास बह रही है। पटना के अलावा बाढ़ का पानी छपरा जिला के दर्जनों गाँव में भी घुस गया है। बाढ़ के चलते छपरा का पटना से सड़क संपर्क टूट गया है। डोरीगंज के पास एनएच पर पानी बह रहा है तो छपरा शहर में भी बाढ़ का पानी घुसने लगा है। रियो ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाले कुश्ती पहलवान साक्षी मलिक को दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही साक्षी के पिता को बिना बारी के पदोन्नति देने का ऐलान भी किया गया है। साक्षी मलिक के ब्रॉन्ज जीतने के बाद हरियाणा ने पहले ही 2.5 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया था। यह ऐलान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साक्षी के माता पिता के घर रोहतक पहुंचकर किया। हालांकि साक्षी के पिता को बिना बारी के पदोन्नति देने का ऐलान कल ही कर दिया गया था, लेकिन आज इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने साक्षी के पिता को सरकार की खेल से जुड़ी पॉलिसी में भी शामिल करने की बात कही, ताकि नए खिलाड़ी और उनके टैलेंट को पहुंचाने में मदद मिल सके। बता दें कि साक्षी के पिता DTC में कंडक्टर के पद पर कार्यरत हैं। दिल्ली सरकार के इस फैसले से साक्षी के माता पिता बेहद खुश हैं। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक में भारत को बैडमिंटन में रजत पदक दिलाने वाले सिंधु को 2 करोड़ रुपए और आगे गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। फ्री स्टाइल महिला पहलवान साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर भारत के पदक के इंतजार को खत्म किया था। 23 साल की साक्षी ने कजाकिस्तान की आइसोलू टाइबेकोवा को 58 किलोग्राम वर्ग में हराया था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन बारिश और मैदान गीला होने की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंका जा सका। मैच के 2 दिन के खेल में अब तक सिर्फ 22 ओवर का खेल हुआ है, जिसमें वेस्टइंडीज ने 2 विकेट पर 62 रन बनाए हैं। अंपायरों ने कई बार निरीक्षण करने के बाद मैदान को खेलने के लिए सही नहीं पाया, जिसके बाद दिन का खेल रद्द कर देना पड़ा। शुक्रवार रात 2 बार तेज आंधी और बारिश होने की वजह से यह तय हो गया था कि शनिवार को निर्धारित समय पर मैच शुरू नहीं हो पाएगा। शनिवार की सुबह से धूप खिली थी, लेकिन जरूरी उपकरणों की कमी के कारण मैदान को तैयार नहीं किया जा सका। स्थानीय समय अनुसार सुबह 11 बजे पहले निरीक्षण के बाद अंपायरों ने दोपहर 1 बजे दूसरा निरीक्षण किया, जिसके बाद दिन का खेल रद्द कर दिया गया। खेल के पहले दिन भारत ने लियोन जॉनसन 9 और डेरन ब्रावो को 10 रन पर पवेलियन भेज दिया था, जिसके बाद बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा था। क्रेग ब्रैथवेट 32 जबकि मॉर्लन सैमुअल्स 4 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।